8 तो हमारा टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें सॉइल से मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के बने होते हैं। 13 ऑफ डैम आर इशेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, उनमें से जो 13 हैं वो क्या हैं, इशेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं। आउट ऑफ टोटल ऑफ 16 एलिमेंट्स, इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ डैम द प्लांट्स आर अनएबल टू कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल बिकॉज इशेंशियल एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन सम वाइटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल। तो जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इशेंशियल एलिमेंट्स हैं वो उसकी स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, प्लांट की फंक्शनल के लिए चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको कोई भी एलिमेंट इनमें से नहीं मिलता जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर्स हो सकता है जिससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कोई भी डिसीज़ हो सकती है। इशेंशियल मिनरल एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रेंट्स, उनको न्यूट्रेंट्स भी बोला जाता है बिकॉज दे फंक्शन एज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मटेरियल बनाते हैं प्लांट का। डिपेंडिंग अपॉन देयर एवरेज कंसंट्रेशन इन प्लांट्स द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास मैक्रो न्यूट्रेंट्स। They are those essential elements which are present in plants in easily detectable quantity. तो ये वो essential elements हैं जो plants में present होते हैं, इसको हम easily detect कर सकते हैं, और more than one per part per thousand or 1 mg per gram of dry weight. Macronutrients take part in synthesis of organic molecules. ये क्या करते हैं कि जो organic molecules उनको बनाते हैं, development करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स में, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस चाहिए, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोन्यूट्रेंट्स, जो इसका ही पार्ट है। दीज आर दोज एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, लेस देन 1 mg, 1 mg से भी कम होता है इनका वेट। माइक्रोन्यूट्रेंट्स आर मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनल ऑफ एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये जो एंजाइम्स चाहिए किसके लिए चाहिए, एंजाइम के फंक्शन के लिए और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें कौन से आते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो नेक्स्ट आपका पेज है पेज नंबर 16 और इसका टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीजेज। दे आर एक्सटर्नली विजिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन विच बिकम एपरेंट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हमने इशेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं और माइक्रो, अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो जो प्लांट है उसको डिसीज़ हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ सम माइक्रो न्यूट्रेंट्स एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट होता है बच्चे मॉलिब्डेनम, अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो जाए प्लांट को तो कौन सा, मतलब उसको डिसीज़ हो सकती है, कौन से सिम्टम्स होते हैं वो वाले हैं, विप टेल डिसीज ऑफ मस्टर्ड एंड इट्स रिलेटिव्स, मोल्टेड क्लोरसिस विद मार्जिनल नेक्रोसिस एंड इन फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन अदर्स। तो अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो जाए तो क्या होता है कि ये जो डिसीज़ होती है ये मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसमें पाई जाती है, और इसमें क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, उनकी फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, और क्या होता है कि नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। नेक्रोसिस क्या होता है कि डेथ हो जाती है, मतलब कि जो लीव्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड इज जिंक, जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो लिटिल लीव डिसीज़, ये लिटिल लीव डिसीज़ है, मतलब पत्ते जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, रिडक्शन इन इंटरनोड ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ लीफ रोस्टर्स ड्यू टू रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन, जो मतलब हार्मोन ग्रोथ करता है, उसकी भी कमी हो जाती है। थर्ड इज बोरोन, ब्रोन क्या है, ब्लैक नेक्रोसिस ऑफ बेस ऑफ यंग लीव्स, नेक्रोसिस ऑफ इंटरनल टिश्यू लीडिंग टू इंटरनल कॉर्क ऑफ प्लांट, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, हर्ट रोट ऑफ शुगर बीट एंड ब्राउन हर्ट ऑफ टर्निप। तो क्या होता है कि जो आपके मतलब इंटरन, अगर ब्रोन की कमी हो जाए तो ब्लैक कलर के लीव्स हो जाते हैं, और जो उसका इंटरनल टिश्यू है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सिम्टम के बारे में बताया गया कि अगर एलिमेंट्स की कमी हो जाए, फर्स्ट आता है क्लोरसिस,
अब हमने क्लोरोसिस के बारे में उन्होंने लिखा है, तो क्लोरोसिस क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जब बच्चे किसी प्लांट है, ठीक है, किसी प्लांट का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर उसकी क्लोरोफिल की कमी हो जाए तो जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम कॉज क्लोरोसिस, इनकी कमी से क्लोरोसिस होता है। तो पत्ते क्या पड़ जाते हैं? येलो हो जाते हैं। नेक्रोसिस क्या है? इट रेफर्स टू द डेथ ऑफ टिश्यू स्पेशली ऑफ लीव्स। जो टिश्यूज हैं मतलब उनकी डेथ हो जाती है मोस्टली लीव्स की। डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम कॉज नेक्रोसिस। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इट इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम। क्या होता है कि जो सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करके नए सेल बनते हैं, तो वो क्या होता है, जो सेल डिवीजन वो बंद हो जाती है। डिले इन फ्लावरिंग, डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम कॉज डिले इन फ्लावरिंग। तो क्या होता है कि डिले हो जाते हैं फ्लावर, मतलब कि जो टाइम पे निकलने होते हैं उनका टाइम चेंज हो जाता है, मतलब कि वो जल्दी निकलते नहीं है, फ्लावरिंग नहीं होती प्लांट्स में। तो ये था आपका टॉपिक, आपका चैप्टर फिनिश हो गया यहाँ पे।